हैप्पी मॉर्निंग्स, होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली वेल। तो क्या आप ब्लेम गेम खेलते हैं? हम सब ब्लेम गेम खेलते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले हम परिस्थितियों पे डाल देते हैं, फिर हम अपने माँ बाप पे डाल देते हैं, फिर हम अपने लाइफ पार्टनर्स पे डाल देते हैं, और फिर हम अपने बच्चों पे डाल देते हैं। कभी भी गलती को मानते नहीं हैं, सिर्फ ब्लेम गेम खेल लेते हैं। लेकिन मेरी आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब मेरे पिता ने मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि मैं आपको ज़रूर सुनाऊं, क्योंकि आज के युग में ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जो अपने करियर के लिए, पैसे कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर ऊपर एक पद पे जाना चाहते हैं, ये सब जब करते हैं, हमें लगता है हम सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पाप है, और इस पाप का कोई भागीदार बनेगा? मतलब आपके परिवार वाले भागीदार बनेंगे? पता नहीं। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगी। सो स्टोरी टाइम। तो आज हम बात करेंगे भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। जिन्हें नहीं पता है, मैं उन्हें बता देती हूँ कि भगवान वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण की रचना की और जिन्होंने श्री राम के चरित्र के बारे में लिखा, उनके जन्म होने से पहले ही। तो भगवान वाल्मीकि जी, पहले उनका नाम था रत्नाकर, और रत्नाकर कौन थे? डाकू थे, लुटेरे थे, जो कि लोगों को लूटते थे। अब एक बार वन से कुछ संतों की टोली निकली तो रत्नाकर वहीं थे, और उन्होंने उन्हें तपोच लिया और उन्हें लूटने लगे। तो संतों ने पूछा कि रत्नाकर, ये जो तू पाप कर रहा है, क्या इसका कोई भागीदार है? तो रत्नाकर ने कहा, ये पाप मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने सब लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं, वो भागीदार होंगे ना मेरे साथ। तो संतों ने पूछा, क्या तूने कभी उनसे पूछा है ये बात? कहते, इसमें पूछने की क्या बात है, मुझे पता है। कहते, तब भी एक बार तो पूछ ही लेना चाहिए कि भागीदार बनेंगे कि नहीं। अब रत्नाकर के मन में आया कि ये सारी बातें संत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भागना चाहते हैं वहाँ से। अब ये बात संतों ने भांप ली। उन्होंने कहा, रत्नाकर, अगर तुझे ऐसा लगता है कि हम भाग जाएंगे तो एक काम कर, रस्सी ले और हमें बांध के जा, लेकिन अपने घर में जाकर अपने परिवार वालों से ज़रूर पूछ कि वो इस पाप में तेरे भागीदार बनेंगे कि नहीं। रत्नाकर के मन में क्या आता है भगवान जाने, लेकिन वो रस्सी लेता है, संतों को बांधता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। अपनी बीवी से पूछता है कि ये जो मैं पाप करके आता हूँ, क्या तुम इसमें मेरे इस पाप में मेरे साथ भागीदारी करोगी? वो कहती, मैं क्यों करूँगी, मैं तो सिर्फ फल खाऊंगी, मैं क्यों भागीदार बनूंगी, पाप तुम कर आते हो। बड़ा विस्मय होता है। फिर वो अपने माँ बाप के पास पहुँचता है, यही सवाल करता है। वो भी यही कहते हैं कि बेटा, पाप तो तू करके आता है, हम क्यों भागीदार बनेंगे। यही सवाल फिर वो अपने भाई बहनों से, अपने बच्चों से पूछता है, वो भी यही जवाब दे देते हैं। बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से वो संतों के पास जाता है और उनके पाँव में गिर जाता है। कहते हैं कि संत, अब मैं क्या करूं, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, कोई भी मेरे पाप का भागीदार नहीं बन रहा है, सब कुछ मुझे ही भुगतना पड़ेगा, अब मैं क्या करूं? तो संत पूछते हैं, अब तू क्या करना चाहता है? कहते हैं कि अब मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत आगे आ गया हूँ, अब ये घड़ा भर गया, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्या इसका उपाय है? तो संत कह मुस्कुराते हैं तो और कहते हैं कि हाँ, उपाय है, क्यों नहीं, तू राम राम का जाप करता है। कहता है रत्नाकर, कहते कि मुझे राम राम नहीं पता, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहते हैं, तू मरा मरा तो कह सकता है ना, वही तू करता आया है। तो वो उन्होंने मरा 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 कहना शुरू किया, और मरा मरा कहते 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 वो राम 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 जपने लग गया। और कहते हैं कि इतनी तपस्या करी रत्नाकर ने कि उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर बना लिया और उन्हें पता ही नहीं चला। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें जिस वक्त, जिस पल ये पता लग जाए कि हम गलती कर रहे हैं, यू टर्न ले सकते हैं और भगवान में लीन हो सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं, हम लोगों की मदद करके अपने पाप के घड़े को कम कर सकते हैं। सच में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा दिन बस आप मग्न रहो भगवान में, 5 मिनट 10 मिनट अगर भगवान का नाम लिया, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी से प्यार से बात कर ली, मुस्कुरा के बात कर ली, मुझे लगता है थोड़ा बहुत पाप का घड़ा कम हो सकता है। मैं अपनी बात कहूँ,
जब जिंदगी में मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलतियां की हैं और उन गलतियों को मैं ब्लेम गेम अब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस सर्कल में ही फंस गई थी, क्योंकि मैं गलती करती थी ब्लेम कर देती थी, गलती करती थी ब्लेम कर देती थी, मैं उसे सीख ही नहीं पा रही थी और मैं उस सर्कल में ही घूमी जा रही थी, बार बार वही गलतियाँ करती थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ब्लेम गेम नहीं करना है, मुझे खुद रियलाइज़ करना है और मुझे यू टर्न लेना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, और न जाने मुझे लगता है कि नर सेवा में ही नारायण की सेवा है, और मैं ये कहानियाँ कहने लग गई, कहानियाँ बताने लग गई। कहीं ना कहीं मेरे अंदर से वो भार था वो थोड़ा कम होने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप करती थी, मैं किसी को लूटती नहीं थी, लेकिन गलतियाँ ही, हम गलतियाँ करते हैं तभी तो हम इंसान हैं। हर इंसान से छोटी बड़ी गलतियाँ होती हैं, लेकिन जो समझ जाए अपनी गलतियों से, वो भगवान में लीन हो जाए, तो अपनी गलतियों का पश्चाताप भी कर सकता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लोगों को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।